ओके एवरीवन, तो हम लोग काइनेमेटिक्स में पिछले क्लास में हम लोग थ्री फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स देखे थे, राइट। उसमें एक इक्वेशन क्या था, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स अब प्लस एक्स इंटू टी, और दूसरा इक्वेशन था डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी अब प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन था वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स, इट राइट। बट ये तीनों इक्वेशन का कंडीशन था एक्सलेशन जब कांस्टेंट रहेगा, एक्स जब कांस्टेंट रहेगा तो अप्लाई करेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम पहले बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम से पहले एक और पॉइंट, एक्सेलरेटेड इन दोनों का मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड और रिटार्डेशन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि गिवन पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एंड गिवन पार्टिकल इज डी एक्सेलरेटेड, मतलब रिटार्डेशन। Not velocity. If speed is increasing with time, समझे? If speed is increasing with time, then it is the case of accelerated. अब इसको पकड़ के रखना है एंड स्पीड को पकड़ के रखिएगा, ठीक है ना। एंड इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग विथ टाइम देन इट इज द केस ऑफ व्हाट, रिटार्डेशन। अभी ब्लर है क्या? एक और देखिए, इस तरफ आऊंगा तो थोड़ा सा ब्लर कभी कभी होता है, ठीक है, जूम अप एंड डाउन होने से। पहले आपको आप लोग आइडिया लेते हैं, किस, ठीक है ना, किस में, ठीक है स्टूडेंट, एक्स इन दो केस में कौन सा केस एक्सेलरेशन का है, कौन सा केस रिटार्डेशन का है? दूसरा केस, और जैसा मैं सोचा था बिल्कुल डिट्टो आप लोग वही काम किए हैं। मैं सोचा था कि आप 10th क्लास में या 9th में ऐसा देखे होंगे, नहीं,
ए रिटार्डेशन के लिए लिखते थे या ए एक्सेशन के लिए लिखते थे, राइट? वही काम आपने यहाँ पे किया है। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था ही नहीं भाई, एक्स का साइन देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि दिस इज केस ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, राइट? मेरा डिफिनेशन में क्या है बोलिए, मेरा डिफिनेशन में था इफ एक्स का साइन देखकर आपने कैसे बता दिया कि स्पीड कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि जस्ट बाय नोइंग द साइन ऑफ एक्स आपने डिसाइड किया कि एक्स स्पीड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब मैं रियल सिचुएशन लेकर आता हूँ, नाइन्थ वाला चीज़ तो ठीक ही है, आपने ख़राब नहीं किया, वहाँ के अकॉर्डिंग आपने सही बोला। पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसका वेलोसिटी बताता है, राइट? तो वी एक्स का साइन पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक्स भी पॉजिटिव, इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा होगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पीछे से मुझे कोई और पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन के लिए, तो मेरा स्पीड कम होगा या और ज़्यादा होता जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड फोर्स ऑल्सो एक्टिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स का साइन जो रहता है वो एफ एक्स के अकॉर्डिंग होता है, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट? दैट्स वाई इस केस में पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ डिक्रीजिंग स्पीड या इंक्रीजिंग स्पीड। तो सर इस और जहां भी स्पीड बोलूंगा तो आप मॉडुलस लगाकर सोचिएगा, ठीक है? क्या लगाकर? वी एक्स तो कंपोनेंट है। तो भाई सर आपने तो वी एक्स के लिए यह बताया है यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी, राइट? करेक्ट ना? तो इसका मॉडुलस मतलब इसका भी मॉडुलस, करेक्ट? अब बताइए आपका यू एक्स अगर पॉजिटिव है, मतलब मैंने बोल दिया कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब इनिशियल भी यू एक्स, लेट अस सपोज ए पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव और टाइम पॉजिटिव ही होता है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ते रहेगा ये पूरा क्वांटिटी बढ़ते रहेगा ना स्टूडेंट, ये पूरा क्वांटिटी बढ़ते रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ते रहेगा। इसका मतलब है कि इस केस में वी एक्स का साइन पॉजिटिव और एक्स का साइन पॉजिटिव, या यहाँ देखिए बोलिए पार्टिकल किधर किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, अब पार्टिकल का एक्सेशन भी किधर है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो भाई इस डायरेक्शन में इसका मतलब पार्टिकल अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और उसी नेगेटिव अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस में फोर्स भी लगा रहा हूँ, तो पार्टिकल का उस डायरेक्शन में स्पीड कम होगा या ज़्यादा होगा, स्पीड का मतलब मॉडुलस लेकर। तो सर इस केस के लिए अगर डील कीजिएगा तो ए नेगेटिव और ए भी नेगेटिव, तो पूरा तो क्वांटिटी अंदर का नेगेटिव, ए नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है, तो ये जुड़ नेगेटिव और नेगेटिव जुड़ते जाएगा ना, समथिंग लाइक -2 -3, और उसका मॉडुलस पॉजिटिव होता जाएगा, राइट? इसका मतलब एक कुछ ऐसा बात हो रहा, ऐसा कोई वाक्य हो रहा है कि गणेश गुरु से जुड़ और तिनाली की तरफ कोई आ रहा है और बिल्कुल बिना ब्रेक लगा हुआ एक्सलेटर और देते जा रहा है, राइट? तो इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ते हुए आ रहा है कोई जित, और इट इज ऑलवेज कंपलसरी कि गणेश गुरु से तिनाली की तरफ ही सिर्फ स्पीड बढ़ेगा, जोर तिनाली से गणेश गुरु तभी तो स्पीड बढ़ सकता है। वैसे ही वेन वी आर मूविंग फ्रॉम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में अपना स्पीड ज़्यादा करते हुए जाए। कब ज़्यादा होगा? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का दोनों का डायरेक्शन सेम हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मैं दैट्स व्हाई मैंने स्पीड बोला था, इसका मतलब यहां पे हुआ कि दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ एक्सेलरेटेड एंड दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ एक्सेलरेटेड, राइट? इवन इफ यहां पे एक्स पॉजिटिव यहां पे एक्स नेगेटिव, राइट? इसका मतलब आज के बाद एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है उसको डिसाइड करने के लिए, ओके सर, अगर वी एक्स और एक्स का साइन अगर सेम रहेगा, मतलब अगर इसका प्लस इसका भी प्लस, इसका माइनस इसका भी माइनस, देन दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड टेक्निकली, राइट?
बोथ आर द केस ऑफ एक्सेलरेटेड, एक किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसलिए आप क्या जस्ट एक्स का साइन देकर आज के बाद बात करेंगे? नो। तो लिखिए बोथ आर द केस ऑफ एक्सेलरेटेड, केस ऑफ एक्सेलरेटेड, समझ गए? बट एक किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है? इट इज एक्सेलरेटेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एक किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है? इट इज एक्सेलरेटेड अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, समझ गए? वी एक्स का साइन पॉजिटिव और एक्स का साइन निगेटिव, राइट? इसका मतलब पार्टिकल तो जा रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि वी एक्स का जो डायरेक्शन रहेगा उसी डायरेक्शन में जाएगा, राइट? लेकिन उस पर फोर्स कुछ ऐसा है कि मैं दौड़ इस डायरेक्शन में रहा हूँ उस डायरेक्शन में, अब मुझे पीछे से कोई पुल कर रहा है, तो मेरा स्पीड ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बट फोर्स एक्टिंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, राइट? तो इस वजह से पार्टिकल का स्पीड कंटिन्यूसली कम होता जाएगा, राइट? तो दिस इज द, इस केस में स्पीड कम होगा, दैट्स वाई दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, राइट? इसका मतलब रिटार्डेशन बहुत सिंपल है, इस पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स किधर लग रहा है, वजह जो एक्स का साइन रहेगा, एक्स का साइन निगेटिव मतलब एक्सेलरेशन अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, राइट? ये कुछ ऐसा है का आपका ब्लॉक का वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, लगा सकते हैं ना? तो इस केस में ब्लॉक का स्पीड ज्यादा होगा या कम होता जाएगा? और रिटार्डेशन के लिए आपको की पॉइंट बताया थे कि रिटार्डेशन में स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, राइट? इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इसका मतलब आज के बाद अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, देन दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो डैम श्योर स्पीड कम होगा, करेक्ट? वी एक्स निगेटिव एक्स पॉजिटिव, देन वी एक्स निगेटिव एंड एक्स पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ रिटार्डेशन, करेक्ट ना? वजह पार्टिकल जा किधर रहा था? निगेटिव एक्स की तरफ, बट निगेटिव एक्स, लेकिन उस पर फोर्स एक्सेलरेशन उसका किधर है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या इसका स्पीड बढ़ेगा या स्पीड कम तो जाएगा? कम होता जाएगा। इसका मतलब बोथ आर द केस ऑफ रिटार्डेशन। तो देखिए इसमें भी वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इसमें भी वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, राइट? इसमें वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, इसमें भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन। वो कौन सा डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं है, बस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो देन उसको एक्सेलरेटेड का केस है, उसमें स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसमें स्पीड कम होगा, राइट? तो अब तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि आज के बाद एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन का क्या है? सिर्फ एक्स का साइन देखकर बोलेंगे या प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? सर वी एक्स भी चाहिए, राइट? नहीं तो पता चला है एक्स का रिटार्डेशन बोल दिए और फिर ए भी लगा दिए, तो जो एक्सेलरेटर था उसको आपने रिटार्डेशन का नाम दे दिया, राइट? लिख लीजिएगा, ठीक है। Mm-hmm.
ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। टी इक्वल जीरो पे मेरा इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल कहाँ पे है, 2 मीटर पे है, राइट। लिखिए, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड आउट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सेकेंड। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक और क्वेश्चन, फाइंड आउट पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। Also find out Vx as a function of x. Also find out Vx as a function of x. चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? चीज़ों को पहले बनाने से पहले, तो भाई एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उसी 3 इक्वेशन से मुझे काम चलाना है, राइट। ले देकर जो भी जोड़ घटाव करना है उसी 3 इक्वेशन से काम करना है, करेक्ट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए मेरे पास 3 इक्वेशन है, उसमें 2 इक्वेशन में टाइम है, राइट। एक में टाइम नहीं है, बट दो ही में टाइम है। ये भी मेरे लिए ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट है कि 3 फंडामेंटल इक्वेशन में, तो सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि बच्चों को समझ में आता है कि इक्वेशन इक्वेशन लगाना कौन सा है। तो भाई मैंने बोला फाइंड आउट वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो 3 इक्वेशन इस कंडीशन के लिए 3 इक्वेशन है, उसमें ऑब्जर्व करेंगे ना कि 3 में से 2 में टाइम है, और सर ने बोला है वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसमें तो एक ही वैसा इक्वेशन था, राइट। मतलब इससे काम करना है, वी एक्स इक्वल टू व्हाट, ई एक्स प्लस, यस। तो वी एक्स के लिए अब यू एक्स का काम यहाँ पे कौन करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड, और एक्स का वैल्यू 2। ये आपका हो गया वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या हो गया, वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करेक्ट। और यहाँ इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको ऐड कर लेता कि ऑल्सो फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या वी एक्स निकल जाएगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं? कैसे, वी एक्स टू माइनस वी एक्स वन, राइट, डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। वी एक्स निकल गया तो मुझे वी एक्स टू और वी एक्स वन निकल जाएगा। अब इसी में यहाँ पे अब देखिए, इसमें 1000 क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड आउट वी एक्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब क्या समस्या है भाई, किसी भी टाइम पे पूछिए, राइट। मुझे तो पूरा किसी भी टाइम का, एट एनी टाइम का मिल गया है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है, 2 × 2 करेंगे, राइट। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखिए, एक कभी निगेटिव हो पाएगा, ए राइट हैंड साइड का क्वांटिटी कभी निगेटिव होगा, और एज टाइम इंक्रीजेज यहाँ देखिए, एज टाइम इंक्रीजेज व्हाट व्हाट वी एक्स का मैग्नीट्यूड ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड, राइट। तो ये होना भी चाहिए था, एक्स पॉजिटिव है और इनिशियल वी एक्स भी पॉजिटिव था, करेक्ट। मतलब पार्टिकल जहाँ पे भी था, पार्टिकल अगर एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे था इनिशियली, और पार्टिकल यहाँ पे रहकर इधर जा रहा था कितना से, 1 मीटर पर सेकंड से, करेक्ट। और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दिए, तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिए, तो उसका स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाएगा, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या था, यस
तो भाई डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो तीन इक्वेशन में दो ही में टाइम था, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्या है, इज इट एक्स या इट इज चेंज इन एक्स? भाई इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, राइट? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब मैंने पहले आपको ए पूछा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एक्स वर्सेस टी और डेल्टा एक्स वर्सेस टी एक ही बात है, अलग एक ही बात है, अलग अलग बात है। डेल्टा एक्स है और एक्स एक्स है, राइट? यू एक्स कितना? वन ना। तो टी स्क्वायर प्लस टी, राइट? ये क्या मिल गया? ये आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में का आंसर ए रहेगा, करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ए रहेगा, हो गया? चलिए स्टूडेंट, और अब यहां पूछेंगे, पूछा गया है ऑल्सो फाइंड आउट एक्स वर्सेस टी, तो डेल्टा एक्स क्या था? एक्स माइनस एक्स नॉट, राइट? तो एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, तो एक्स इक्वल टू क्या? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस एक्स नॉट, इज इट राइट? ए आपका क्या हुआ? ए हुआ आपका, मैं थोड़ा सा यहाँ से हट जाऊँगा, एक मिनट रुकिए। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, ये जो मिला वो आपका एक्स वर्सेस टी मिला, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? ये क्या मिला? ए मिला है आपका चेंज इन एक्स। ये क्या मिला है? एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ तक आ गए? अब यहाँ देखिए, इसी क्वेश्चन में, यहाँ तक समझ में आ गया? एक्स नॉट का वैल्यू क्या था? वही पुट किए हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, दिमाग भी लगाना है। एक्स नॉट का, अच्छा इसके बाद क्या लिखे होंगे सर? एक्स नॉट, ठीक है ना? चलिए यह है एक्स एक्सिस, करेक्ट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, समझ में आ गया? ओके, डेल्टा एक्स वर्सेस टी, डेल्टा एक्स वर्सेस टी कैसा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक, राइट? और एक्स वर्सेस टी भी कैसा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। तो डेल्टा एक्स वर्सेस टी का ग्राफ कैसा रहेगा? पैराबोला, राइट? और एक्स वर्सेस टी का कैसा ग्राफ रहेगा? बट क्या दोनों सेम प्रॉब्लम रहेगा या अलग रहेगा? सर डेल्टा एक्स में तो टू नहीं है ना, ये तो ए है, राइट? और इसमें टू भी है, दोनों पैराबोला रहेगा बट दोनों अलग थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा, राइट? चलिए अब मैं अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि फाइंड आउट डेल्टा एक्स बिटवीन टी इक्वल टू 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 टी इक्वल टू फोर सेकेंड, करेक्ट? कहाँ से कहाँ के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं? दो सेकेंड से चार सेकेंड के बीच में, तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल प्ले होगा कि डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, राइट? इसका मतलब है स्टूडेंट कि अगर मैं टी इक्वल टू, रट्टा नहीं मारना है भाई, फिजिक्स है, समझना है, टी इक्वल टू टू सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ है ये अगर आपको बता दें। मान लें टी इक्वल टू टू सेकेंड पे पार्टिकल मेरा यहाँ पे है, और टी इक्वल टू, इसका नाम मैं एक्स वन देता हूँ, और टी इक्वल टू फोर सेकेंड पे पार्टिकल अगर यहाँ पे है,
तो मुझे तो x2 और x1 से मतलब है ना, बीच में कैसे जाकर कहाँ हो सकता है ऐसे जाकर ऐसे लौटा हो, उससे मुझे क्या मतलब है? इज इट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन पाथ? इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसका मतलब सर, आपने पूछा डेल्टा x बिटवीन टी इक्वल टू सेकेंड टू फोर सेकेंड, तो मैं भी वही काम करूँगा। मैं x एट टी इक्वल टू फोर सेकेंड फाइनल माइनस x टी इक्वल टू टू सेकेंड, राइट, इन दोनों का 4 सेकेंड का पोजीशन मतलब निकाल लूंगा और 2 सेकेंड का और चेंज निकाल लूंगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का ही डिफिनेशन था, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो जिस दो टाइम के बीच का मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट, उसी दो टाइम का अलग अलग पोजीशन निकाल के माइनस कर देंगे, राइट। इसमें हेल्प क्या करेगा? इसमें हेल्प करेगा ए। ए क्या है? वो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इससे फायदा ये रहेगा, अदरवाइज अगर ये बात नहीं बोलते ना तो आपको तो लगता है कि सिर्फ यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ t इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में ही डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, राइट। हो सकता है कि आपके माइंड में बैठ जाए कि ओके इस टाइप की प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज t इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं भी हो सकता, ये मेरी मर्जी है। जब मैं जब एक से जब फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया तो इसमें तो मुझे फ्रीडम है कि मैं किसी भी टाइम का पोजिशन निकाल सकता हूँ, राइट। तो डेल्टा एक्स बिटवीन टी इक्वल टू टू सेकेंड टू टी इक्वल टू फोर सेकेंड, तो टी इक्वल टू फोर सेकेंड का नहीं निकाल सकते यहाँ से, क्या होगा? टी इक्वल टू फोर सेकेंड पे एक्स कितना? फोर का स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू, हाउ मच? 22। और यहाँ से ही टी इक्वल टू टू सेकेंड का नहीं निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, हाउ मच? 8 हो तो गया, 22 माइनस 8 हाउ मच? 14 मीटर। बट ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा टाइम का है? इज इट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू 0 या इट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड? तो क्या ए मिलने के बाद सिर्फ 2 सेकंड से 4 सेकंड या किसी भी दो टाइम के बीच का निकाल सकते हैं? सर यहां से तो किसी भी दो टाइम के बीच का निकाल सकते हैं, राइट। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता वी एक्स टी इक्वल टू 1 सेकंड टू टी इक्वल टू 3 सेकंड, तो फार्मूला को पकड़ के रखना है, बहुत लोग फार्मूला का पावर नहीं समझते हैं। वी एक्स तो के राकेश ने बताया था एक्स टू माइनस एक्स वन और डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन, इज इट राइट? X2 किस टाइम का? T2 टाइम का और X1, तो भाई X1 और X2 यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, उस टाइम का पोजीशन। तो क्या यहाँ से T इक्वल टू 1 सेकेंड और T इक्वल टू 3 सेकेंड का आप पोजीशन नहीं बता सकते हैं? क्या हो जाएगा T इक्वल टू 3 सेकेंड का? वहाँ से देखिए तो T इक्वल टू 2 सेकेंड वहाँ पुट कीजिए, सॉरी T इक्वल टू 3 सेकेंड कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 12 14 और उसके बाद 1 पुट कीजिए 4, राइट, और डिवाइड बाई 3 माइनस 1 हाउ मच? 10 बाई 2 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस टू टाइम इंटरवल, करेक्ट। तो भाई क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, ठीक है, इसलिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर माइंड रखिए। एवरेज वी एक्स, ओके, एवरेज वी एक्स तभी बता पाएंगे जब एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता रहेगा, राइट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ही तभी बता पाएंगे किसी भी, यहां से एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर निकल गया तो किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच का हम लोग डिस्प्लेसमेंट फटाक से निकालेंगे, क्योंकि पाथ तो देखना ही नहीं है, राइट। ठीक है, हो गया ना? चलिए इसी क्वेश्चन में ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पहला क्वेश्चन लिखिए इसी में। नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे कोई आंसर लाने के लिए क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मुझे यहाँ से फिजिक्स सिखाना है, ठीक है। लिखिए ड्रॉ एक्स वर्सेस टाइम कॉमा वी एक्स वर्सेस टाइम कॉमा डेल्टा एक्स वर्सेस टाइम कॉमा एक्स वर्सेस टाइम। दोनों, हाँ चलिए मैं साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ।
चलिए पहला ग्राफ क्या है, एक्स वर्सेस टाइम, तो जिसका वर्सेस जिसका बोलते हैं तो जो पहले बोलेंगे वो वर्टिकल एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। और जैसे ही टाइम बोल दिए तो एक बात तो श्योर हो गया कि इस सेक्शन में मेरा ग्राफ आएगा नहीं, और आएगा भी तो बाद में डिलीट कर देंगे, राइट, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, एक्स इक्वल टू टू, तो नहीं था कैसा रहेगा ग्राफ, तो ये हो गया एक्स वर्सेस टाइम, राइट। अब वी एक्स वर्सेस टाइम तो किसी का भी ग्राफ आप तभी ड्रॉ करेंगे ना जब उसका एक्सप्रेशन पता रहेगा। तो वी एक्स वर्सेस टाइम का एक्सप्रेशन क्या है, 2t प्लस 1 प्लस 2t, बोलिए 1 प्लस 2t बोले या 2t प्लस 1 बोले, एक ही बात है। चलिए एक कैसा इक्वेशन, पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन, एन ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट, सॉरी ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, राइट, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन t इक्वल टू 0 पे। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का एक तरीका है कि सर अगर एक पॉइंट पता चल जाए और स्लोप, तब भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। t इक्वल टू 0 पे इसका vx क्या है, 1, और स्लोप कितना है, 2। नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सर पॉजिटिव है, राइट, यस। तो इस लाइन से, इस पॉइंट से नीचे आए, मुझे ये पता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन नीचे आए या ऊपर जाए, पक्के ऊपर जाएंगे तभी तो सर स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने सिखाया है कि किसी भी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप के लिए जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कट करता है वहाँ से राइट जाके एंगल देखते हैं, राइट। अगर एंगल एक्यूट आता है तो पॉजिटिव स्लोप होता है, ऑप्टिव आता है तो निगेटिव स्लोप हो जाएगा। बट इसको क्या आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाएंगे, यस। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करना तो इतना आसान है, राइट। अब किसका था, यस, डेल्टा एक्स वर्सेस टी, नीट में ग्राफ पे क्वेश्चन आता है भाई बहुत, इसलिए ग्राफ पे पकड़ होना पड़ेगा। इसी टाइप का ग्राफ आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, मतलब पैराबोला, ये दो बहुत आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आया था, जरा बताइए, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी, देखिए नहीं डेल्टा एक्स में ही था, मुझे पहले डेल्टा एक्स वर्सेस टी चाहिए, राइट। तो ए है क्वाड्रेटिक, मतलब पैराबोला होगा, राइट। और टी स्क्वायर का कोफिशियंट निगेटिव है या पॉजिटिव है, सर टी स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, पॉजिटिव है, राइट। इतना तो पता चल गया कि ग्राफ का शेप ऐसा रहने वाला है, राइट। अब इस, अब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज के लिए आप एक काम कर सकते हैं, रफ वर्क करने के लिए, डेल्टा एक्स थोड़ा देख कर थोड़ा खराब लग सकता है, तो इसको कुछ देर के लिए जेड मान लीजिए, डेल्टा एक्स को रफ वर्क के लिए डेल्टा एक्स को जेड मान लेते हैं, या कुछ दूसरा टर्म मान लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपको जो हाउ टू ड्रॉ द पैराबोला उस मेथड को अप्लाई करने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। नहीं, पैराबोला ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे, सर डिफ्रेंशिएट करते थे, इक्वल टू जीरो करते थे, राइट। इस पर्पज़ के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि डेल्टा एक्स जेड हो जाएगा, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी डेल्टा एक्स को जेड मानकर, तो जेड एक रफ वर्क कर लीजिए, ऐसे रफ वर्क सोचिएगा कि अगर जेड इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी रहता तब उसका जेड वर्सेस टी का कैसा ग्राफ होता, जरा ड्रॉ कर रहे हैं तो फास्ट। जेड मान लेते कि अगर मैं देता जेड जेड इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, तो उसका वर्टेक्स कहाँ पे होता, आप ऐसे ही सॉल्व करते ना, डी जेड बाई डी टी, 2t प्लस 1, राइट, और इक्वल टू जीरो करते तो t कितना मिलता, माइनस हाफ, करेक्ट, ओके।
और उसके बाद टी इक्वल टू माइनस हाफ इसमें पुट कर दीजिए, टाइम निगेटिव होता है नहीं होता है बाद में डिसाइड कर लेंगे। टी इक्वल टू माइनस हाफ इसमें पुट कीजिए, जल्दी से पुट करना है भाई। माइनस वन बाई फोर, एंड वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, नहीं वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस के लिए टी को जीरो करते हैं राइट, ओरिजिन ना, इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो राइट। इसका मतलब मेरे पैराबोला का जेड वर्सेस टी का वर्टेक्स रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में राइट, वर्टेक्स कहाँ रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में ना, और ये कहाँ से पास करेगा ओरिजिन से, करेक्ट करेक्ट स्टूडेंट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, यहाँ पे माइनस हाफ और माइनस वन बाई फोर था वर्टेक्स राइट। तो आपको तीन ही चीज़ तो चाहिए पैराबोला का ड्रॉ करने के लिए, पहला वर्ट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स राइट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करते हैं, उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिलता है और उसी को यहाँ पुट करते हैं तो वर्टिकल एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिल जाता है राइट। और सेकेंड वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस के लिए हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट को जीरो के बराबर करते हैं, टी इक्वल जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पर जीरो जेड का वैल्यू जीरो ही आया करेक्ट ना। अब टाइम बिकॉज निगेटिव नहीं होता है तो यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देंगे राइट। तो अल्टीमेटली हम लोग को नज़र क्या आया, अल्टीमेटली सर हम लोग को नज़र आया ऐसा करेक्ट, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द पैराबोला, इज इट होल पैराबोला, इट इज द पार्ट ऑफ द पैराबोला। इसका पैराबोला का पार्ट इधर भी था और इधर भी था, बट हम लोग सिर्फ इस पार्ट को दिखाएंगे, जेड वर्सेस टी इज इट राइट, जेड वर्सेस टी, और जेड ही क्या था आपका डेल्टा एक्स था ना, तो ये हो गया डेल्टा एक्स वर्सेस टी करेक्ट। ड्रॉ कर लीजिए, सब लोग को समझ में आ गया। अब देखिए मैंने इस ग्राफ में एक बात ऑब्जर्व किया, और स्पेशली आपको ग्राफ बोलकर एक या दो क्लास लूँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बताऊँगा, लेकिन अभी जिस प्रॉब्लम में भी आ रहा है और ग्राफ का सब पॉसिबिलिटी बन रहा है तो मैं इसका आपको बहुत बेटर प्रैक्टिस ग्राफ से, मतलब एक होता है देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके मन से ग्राफ का डर भगा रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ जहाँ पर आता है ना ड्रॉ द ग्राफ, तो बच्चे वहाँ पर हाथ खड़ा कर लेते हैं, मतलब इजी सेक्शन वाले में काम करते हैं जैसा यार, बट कुछ भी नहीं है भाई, ये तो मैथमेटिकल टूल में पढ़े हैं हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला राइट। अब यहाँ देखिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स को रफ वर्क के लिए जेड मान लिया था, क्यों, अगर ऐसे करते ना तो थोड़ा ख़राब दिखते रहता डी डेल्टा एक्स वाई डी टी राइट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड पे ज़्यादा प्रेशर बनता, इसी डेल्टा एक्स को जेड के टाइप में रफ वर्क कर दिए तो आसान हो गया करेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिस्प्लेसमेंट अगर टी इक्वल टू जीरो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का बात किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर देखेंगे तो उसका ग्राफ ऑलवेज ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे एक्स अगर कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आप किसी भी एक्स को नोट नहीं, बाद में कंक्लूड ऑब्जर्व करवाएंगे ग्राफ जब पढ़ाएंगे तो, लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि डिस्प्लेस डेल्टा एक्स वर्सेस टी का ग्राफ ऑलवेज ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मान लेते हैं कि आप सिक्स, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सिक्स माइल राइट, गुवाहाटी में एक जगह है भाई बहुत फेमस जगह है सिक्स माइल, तो सिक्स माइल में आप खड़े हैं राइट, तो आपको कोई पूछे कहाँ है वेयर आर यू, तो सिक्स माइल मतलब आप सिक्स माइल पे हो, और आफ्टर दस मिनट फिर से पूछ रहा कहाँ है और आप वहीं पे खड़े हैं अभी सिक्स माइल, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट जीरो, पोजीशन था सिक्स राइट, सिक्स माइल डिस्प्लेसमेंट,
तो कहीं भी रहे हैं और किसी भी टाइम पर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स वर्सेस टी तो ओरिजिन से ही स्टार्ट होना पड़ेगा ना, उसका इनिशियल तो अगर आप जहां हैं वहीं खड़े हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, राइट। दिस इज द प्रैक्टिकली डेल्टा एक्स वर्सेस टी का ग्राफ देखिएगा, हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ एक आ जाएगा फेल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। तो डेल्टा एक्स वर्सेस टी का ग्राफ ऑलवेज ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अरे रटने वाला बात नहीं, तो प्रूफ की है ना भाई, ये तो ड्रॉ की है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वही मिला टी को जीरो पुट किया आपको क्या मिला, जीरो मिल गया, करेक्ट। नहीं ऑलवेज के लिए वेरिएबल भी रहेगा, उसके लिए भी केस है, हर सिचुएशन के लिए रहेगा। चलिए तो ए हो गया डेल्टा एक्स वर्सेस टी, करेक्ट। अब क्या ड्रॉ करना था, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक प्रॉब्लम लिया हूँ उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स का एक्सप्रेशन क्या था, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, करेक्ट। अब दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। और शेप कैसा रहेगा, शेप तो पहले से डिसाइडेड है, यस शेप इज कॉनकेव अप। तो अब यहाँ पे क्या करिएगा स्टूडेंट, सर पहले तो आपने जो बताया था, यस तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, टू टी प्लस वन, करेक्ट। ओके तो टू टी प्लस वन इसको इक्वल टू जीरो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू माइनस हाफ। अब यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दीजिए तो उससे मुझे x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, डू इट फास्ट, हाउ मच, इतना देर लगेगा, टू प्लस कितना आएगा, एट सेवन बाई माइनस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई टू अब प्लस टू, तो हो जाएगा वन बाई फोर अब प्लस थ्री बाई टू, ओके सेवन बाई फोर, यस। तो एक काम तो हो गया, तो आपने दो काम कर लिया, एक्स का वैल्यू टी इक्वल टू माइनस हाफ पे निकाल लिया, राइट। आपको वैल्यू मिल गया माइनस वन बाई, जो कुछ स्टूडेंट हो सकता है क्लास नहीं कर रहे होंगे उनके लिए एक एक स्टेप लिख देता हूँ, सेवन बाई फोर। अब क्या करना है, यस तो जीरो जी कर दीजिए, तो कहाँ पे मिला, यस इसका मतलब है कि आपका पैराबोला का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज द पैराबोला का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, इट फोर्थ क्वाड्रेंट या इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट स्टूडेंट, करेक्ट। अरे कितना था, माइनस हाफ एंड सेवन बाई फोर, ठीक है। अरे कितना था, टू। अब किस सेक्शन को अब हटा देना है, यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद पहले ड्रॉ कर लेंगे बाद में इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट कर दिया, क्यों क्या बोलकर रिजेक्ट कर दिया, टाइम निगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब फाइनल ग्राफ जो मेरा रहेगा वो ए रहेगा, करेक्ट ना, एक्स वर्सेस टी का। और एक किसका ग्राफ है, पैराबोला का पार्ट है, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां देखिएगा, एक डेल्टा एक्स वर्सेस टी और एक्स वर्सेस टी में दोनों में डिफरेंस क्या है, डेल्टा एक्स का ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ था, राइट, यस, और एक्स का ग्राफ टू मीटर से स्टार्ट हुआ है। मान लेते हैं कि आप सिक्स माइल पे हैं, सिक्स माइल से एट माइल पे चले गए, तब डेल्टा एक्स पूछेंगे तो टू माइल बोलिएगा, बट पोजिशन पूछेंगे तो एट माइल बोलिएगा, राइट। यू आर शिफ्ट मूविंग फ्रॉम सिक्स माइल टू एट माइल या नाइन माइल,
तो पूछेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 3 माइल का 6 से 9 पहुंच गए। अब अगर पूछेंगे कहाँ हैं, तो 9 माइल, बोलने में लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया, करेक्ट। तो कहाँ हैं वो हो गया पोजिशन वर्सेज टाइम, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना गए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वह डेल्टा वर्सेज टी, करेक्ट। और जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना बच्चे को, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अब डेप्थ में सोचिए, अगर इस बात को डिफरेंस इतना बार बोलकर नहीं करेंगे और एग्जाम में अगर डेल्टा एक्स वर्सेस टी आ गया, तो 99% बच्चे एक्स वर्सेस टी का ड्रॉ करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको डेल्टा एक्स और एक्स एक ही लगता रहता है, मतलब आपको नहीं बोल रहे, मतलब जनरली ऐसा साइकोलॉजी बैठता है, ठीक है। डेल्टा एक्स वर्सेस टी, डेल्टा एक्स वर्सेस टी, वो डिफरेंस नहीं समझ में आता है, और डेल्टा उसमें एक ग्राफ ऐसा भी रहेगा, पूछ रहे हैं डेल्टा एक्स वर्सेस टी, दिमाग में चलेगा एक्स वर्सेस टी, और वो ए वाला ग्राफ ड्रॉ करके आ जाएंगे, पूछा क्या था डेल्टा एक्स वर्सेस टी, तो कौन सा सही रहेगा, ए वाला सही रहेगा या ए वाला सही रहेगा, दिस वन। तो अब डिफरेंस समझ में आ गया, इट द ग्राफ सेम ग्राफ रहेगा एक्स वर्सेस टी और डेल्टा एक्स वर्सेस टी। बोलिए मे और मे नॉट, सर मे और मे नॉट क्यों लगा दिए, मान लेते हैं कि मेरा पार्टिकल ओरिजिन पे ही रहता टी इक्वल जीरो पे, राइट। अगर मेरा पार्टिकल टी इक्वल जीरो पे ओरिजिन रहता, तो उस टाइम पे डेल्टा एक्स वर्सेस टी और एक्स वर्सेस टी बिल्कुल सेम जैसा नजर आएगा, ठीक है। लास्टली सर इतना दिमाग ही नहीं लगाना है, ना ही रटना है, हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हम लोग को जो इक्वेशन बताएगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ना है, राइट। कितना याद रखेंगे, डेल्टा एक्स वर्सेस टी का जो एक्सप्रेशन आया वहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक्स वर्सेस टी का जो एक्सप्रेशन आया वहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। ये फिजिक्स है ना, रटते थोड़े रहेंगे कि डेल्टा एक्स वर्सेस टी का ऐसे करना है, जो इक्वेशन आएगा मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके एवरीवन, एक और क्वेश्चन बनाइए, ए पार्टिकल इज मूविंग, लिखेगा सब लोग, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कॉन्स्ट, ए पार्टिकल, मैं लिख देता हूं इसको, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनिशियली पार्टिकल वाज एट एक्स इक्वल टू -4 meters एंड पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड 1 meter per second अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ तक लिखे, तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, मेरा कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, एक्स इक्वल टू -4 पे, राइट। और इनिशियली पार्टिकल का स्पीड कितना था, बट किस डायरेक्शन में, लिखिए फाइंड, पहला क्वेश्चन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ऑल्सो फाइंड आउट
ऑल्सो फाइंड आउट द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट. ऑल्सो फाइंड आउट द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट. ये पहला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, ठीक है. ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कॉमा एंड ऑल्सो फाइंड आउट अ पोजीशन व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट एंड ऑल्सो फाइंड आउट अ पोजीशन व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट. फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ऑल्सो फाइंड आउट द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट. ठीक है यहाँ तक. सेकेंड क्वेश्चन था फाइंड आउट पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ऑल्सो फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट. ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टू सेकेंड. चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करें. अभी मैं जितना भी एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें केयर कीजिएगा, मैं अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है. फिर एक दौर चलेगा जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल रहेगा, और वेरिएबल रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है? तो सर गिवन है एक्स, और एक्स का वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो दो दिया हुआ है और डायरेक्शन भी दिया हुआ है. तो माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है या प्लस टू लिखा है? और यू एक्स, वेरी गुड, स्पीड दिया हुआ था, किसी भी वेग का स्पीड था वन, लेकिन जा किधर रहा था इसका तो माइनस वन मीटर. इस बात को आप लोग पकड़ पाए थे? और एक्स नॉट कितना था? माइनस फोर. और ये दोनों इन्फॉर्मेशन टी इक्वल टू जीरो टाइम का था, राइट, इनिशियली. ओके, और जैसे ही वी एक्स एक्स कॉन्स्टेंट है तो वही तीन इक्वेशन से हम लोगों को काम चलाना है, राइट. पहला क्वेश्चन क्या है, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी, और यू एक्स कितना माइनस वन और एक्स कितना टू टी. ये तो हो गया. और इसी में पूछा गया था also find the time when particle comes into rest, correct. तो Vx equal to zero करना है, correct ना. rest का मतलब rest में कब आएगा, जब Vx कम, Vx क्या हो जाएगा zero. तो Vx equal to zero करते हैं तो क्या मिला everyone, minus one plus two t equal to zero, then t equal to कितना, हाफ सेकेंड. कितना बार टाइम का कितना वैल्यू मिला जहां पर वी एक्स जीरो है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी इज नॉट, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ टी, वन वैल्यू, राइट. एक्स का क्या वैल्यू है, एक्स का कितना वैल्यू है, कौन कौन सा वैल्यू है, दोनों सेम बात है. तो भी पार्टिकल कितना बार रेस्ट में आया है, तो जितना बार का टाइम का एक ही टाइम तो आया. इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में इस सिचुएशन के लिए पार्टिकल ओनली वन टाइम्स कम्स इन टू रेस्ट, राइट. उसके बाद दोबारा रेस्ट में नहीं आएगा, राइट. समझे इस बात को, जैसे एक तो बात होता ना, जैसे आपको जैसा अगर मैं भी रहता है एज ए टीचर, मैं क्या कर रहा हूँ, सिचुएशन से वाकिफ करवा रहा हूँ. ये तो आंसर आ गया, एज ए स्टूडेंट मेरा काम खत्म, बट एज ए टीचर मेरा काम यहाँ पे है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि आप फिजिक्स वाइज इसको कैसे सोचेंगे. ओके, इस सिचुएशन के लिए टाइम
वी एक्स इक्वल टू जीरो किए तो टाइम का मुझे एक ही वैल्यू मिला है, इसका मतलब पार्टिकल सिर्फ एक बार रेस्ट में आएगा, दोबारा रेस्ट में नहीं आएगा, करेक्ट? ये बात समझ में आ गया। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं इससे पहले का, इससे प्रीवियस प्रॉब्लम अगर हम लोग मैंने जो बनाया उसमें अगर मैं एक क्वेश्चन देता कि फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, इससे पहले का प्रॉब्लम था ना मेरे पास जिसमें वी एक्स कितना आया था, बोलते ही नहीं हैं। और उसमें अगर बोलते कि फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट तो वी एक्स इक्वल यस, तब क्या बोलते क्या मतलब भूतकाल में जाते पास्ट टेंस। तो इसका मतलब आज के बाद अगर क्वेश्चन मान लेते हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है ना भाई, उसकी मर्जी है आपका डेप्थ नॉलेज चेक करने के लिए। तो अगर वी एक्स इक्वल टू जीरो किया टाइम नेगेटिव आ गया तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसका मतलब पार्टिकल नेवर कम्स इनटू रेस्ट, राइट? मतलब ए टाइम एक्सेप्टेबल है नहीं है। तो अगर टाइम निगेटिव आ जाएगा मतलब इस मोमेंट पर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो काम शुरू कर रहे हैं टी इक्वल टू जीरो से, इसका मतलब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या रहेगा, पार्टिकल नेवर कम्स इनटू रेस्ट। तो इससे पहला वाला सिचुएशन पार्टिकल कभी रेस्ट में नहीं जाएगा, राइट? आए तो ग्राफ भी तो देख लिए थे वी एक्स वर्सेस टी का, ऐसे ही था ना, ये कभी नीचे आएगा, ये दो ये 1 मीटर पर सेकंड से शुरू ही किया था और बढ़ते जा रहा था, राइट? तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है कि तो यहाँ से एक चीज़ तो सीखे कि आज के बाद कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और टाइम अगर उसमें इन्वॉल्व है, टाइम निगेटिव आ गया मतलब निगेटिव वाला टाइम पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट? चलिए, बट यहाँ पे निगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है, मतलब ये पॉसिबल है और पार्टिकल, लेकिन टाइम का एक ही वैल्यू आया। अगर टाइम का दो वैल्यू आता, लेट अस सपोज आगे का क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि वी एक्स जीरो की है और टाइम का दो वैल्यू आ गया, मतलब दो बार पार्टिकल दो बार रेस्ट में आएगा, राइट? चलिए यहां तक आ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बनाना था, फाइंड द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब है डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और डेल्टा एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू एक्स कितना है माइनस वन टी और प्लस हाफ टू टी स्क्वायर, हाउ मच टी स्क्वायर माइनस टी, तो एक्स माइनस एक्स नॉट, बट मैं आपसे डेल्टा एक्स पूछ रहा हूँ या पोजिशन एक्स ना, तो टी स्क्वायर माइनस टी अब प्लस एक्स नॉट, इज इट राइट? और अब एक्स नॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए तो टी स्क्वायर माइनस टी और एक्स नॉट का वैल्यू कितना है माइनस फोर ना, यस, ये हो गया पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसके बाद मैंने इसी में क्वेश्चन क्या दिया था, बोलिए फर्स्ट फाइंड द पोजिशन व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट। तो सर इसमें अगर t इक्वल टू हाफ सेकेंड पुट कर दें तो t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे ही तो रेस्ट में आया था, तो इसमें कौन सा टाइम पुट करें जिससे कि मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो मेरा क्वेश्चन था फाइंड द पोजीशन व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, इसका मतलब है मुझे इसमें हाफ सेकेंड पुट करना पड़ेगा, राइट? तो कितना हो जाएगा हाफ माइनस फाइव बाई फोर मीटर सेकेंड होगा, बट सब लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्या यही आंसर है या कुछ और आंसर है। माइनस फाइव बाई फोर थोड़ा छोटा लग रहा है और बड़ा वैल्यू रहना चाहिए, इट माइनस फाइव बाई फोर तब
कैसे काम चलेगा भाई आप लोग का बताइए। -71 4 राइट। चलिए इसी को सेम क्वेश्चन में अभी आगे बढ़ूंगा, अभी कोई नया क्वेश्चन नहीं लूंगा, इसी में देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में कितना संभावना है, इसी क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है राइट एज ए टीचर। अब इसी में वी एक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ पूछ लें, वी एक्स वर्सेज टी। तो भाई वी एक्स वर्सेज टी में वी एक्स का एक्सप्रेशन क्या था जरा बताइए। तो मतलब एक ही बात है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन स्लोप तो पॉजिटिव है और टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, सॉरी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है -1 ना, टी इक्वल टू 0 पे। और यहाँ से नीचे जाएं या ऊपर जाएं, यस नीचे जाएंगे तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा राइट यस। और यहाँ पे कौन सा टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू तो जहाँ पे इस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे वी एक्स का वैल्यू क्या रहेगा इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, 0 ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे व्हाट द वैल्यू ऑफ एट दिस पॉइंट ग्राफ, इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इस पॉइंट पे वी एक्स कितना, 0। तो ये टाइम तो हम लोग को पता है हाफ सेकेंड राइट। यहाँ पे टी का आप सब लोग समझे, मैंने यहाँ पे टी को टू हाफ सेकेंड क्यों दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके थे राइट, कि फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स इन टू रेस्ट। तो दिस इज द ग्राफ वी एक्स वर्सेस टी इज इट राइट, दिस इज द ग्राफ ऑफ वी एक्स वर्सेस टी। किसी को समस्या है एनीवन? चलिए बहुत आसान है ये, समझ में आ गया। अब बताइए, उतना छोड़िए कि क्या है, मैंने आपको एक टास्क दिया एकदम सिंपल वे में कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नाइन्थ क्लास से आप सीख रहे हैं, अब उसको दोबारा पूछ रहे हैं सर एक बार और समझाइए स्ट्रेट लाइन का कैसे ड्रॉ करते थे, भूल जाइए अब मैंने क्या सिखाया। सर दो कोऑर्डिनेट निकालते थे राइट, पहले इसमें टी इक्वल टू 0 कर दिए, एक कोऑर्डिनेट हुआ टी इक्वल 0 तो वी एक्स कितना -1 करेक्ट, और फिर क्या करते थे वी एक्स 0 करते थे राइट, यही करते थे ना, तो टी इक्वल टू कितना, हम लोग को तो नाइन्थ और टेंथ में ऐसे सिखाया गया था स्ट्रेट लाइन के लिए कि दो पॉइंट चाहिए दो बिंदु और दोनों को मिला देंगे राइट। तो एक कहाँ पे मिला, एक तो मिला ये, और वी एक्स वर्सेस टी है, नहीं लगता कि वी एक्स बाई का काम वी एक्स कर रहा है और एक्स का काम टी कर रहा है, वी आर वेरी मच फैमिली विद बाई वर्सेस एक्स करेक्ट। तो बट इट इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज वर्टिकल एक्सिस पे बाई रहेगा, तो मेरा इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट है भाई 0 और -1। 0 किसके बदले दे रहे हैं, टाइम के बदले राइट, और -1 किसके बदले दे रहे हैं वी एक्स के बदले करेक्ट। ए पॉइंट दिखा दिए, अब इस पॉइंट को दिखाएंगे वी एक्स कितना 0, तो वी एक्स 0 वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू 0 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है करेक्ट, और टी कितना हाफ, इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ और 0 इज इट राइट। ये हाफ किसको इंडिकेट करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले जो लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में लिखते हैं वर्टिकल एक्सिस का इज इट राइट। अब दोनों पॉइंट को मिलाना है, ऐसे ही तो ग्राफ जाएगा, और इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता था, ग्राफ ऐसा ही रहेगा करेक्ट। अब इसी को फास्ट, एक मिनट मैं आपको टाइम दूंगा, इसी को फास्ट होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अब कितना दिन तक नाइन्थ क्लास को पकड़ के रखिएगा, थोड़ा तो अब बड़ा होंगे। तो वी एक्स वर्सेस टी के लिए मैं आपको एक ऐसा, एक यहाँ देखिए ऐसा भी तो इक्वेशन में बताया था बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है मैथमेटिकल टूल में, इसमें क्या बताए थे
इस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बाई एक ऐसा इक्वेशन था बाई माइनस बाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, इज इट राइट? इस इक्वेशन से सिर्फ स्लोप चाहिए, अरे वन कोऑर्डिनेट चाहिए, वन ऑफ द पॉइंट का कोऑर्डिनेट, करेक्ट? तो वही उसी का मैं लाभ उठाना चाह रहा था थोड़ा फास्ट होने के लिए, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है ना, तो इसमें वी एक्स इक्वल टू टी माइनस वन, वी एक्स इक्वल टू टी माइनस वन में वी एक्स किसका काम कर रहा है? एवरी वन, बहुत कम लोग बोलते हैं, क्या समस्या है? आज रक्षाबंधन इसलिए कम बोल रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है? बाय एम, चलिए कोई बात नहीं है। अभी देख रहे थे बच्चे लोग का एक्साइटमेंट, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जैसे बड़े होते कितना नीरस हो जाते हैं, कोई भी फेस्टिवल आने से 10 दिन पहले तक तो माहौल बना देता है, मतलब फेस्टिवल आने में अभी 1 महीना है बच्चे का जो है, रक्षाबंधन आने में एक अभी 10 दिन है और तब से माहौल बनाए हुए हैं, मेरी बेटी मतलब रक्षाबंधन आने वाला है, मतलब हर अब भाई इंडिया है अब 365 दिन में कम से कम 400 फेस्टिवल है, राइट? डेली माहौल बन जाते रहता है, लेकिन कम से कम अब मैं अपनी चीज़ों को उस पर, हालांकि कभी कभी तो गिल्टी भी फील होता है कि हम लोग भी तो बचपन में ऐसे ही करते थे, क्या हो रहा है फैमिली में मुझे नहीं मतलब है, अपने दुनिया था, खेलना है, अब मैक्सिमम खेलना है 8th क्लास तक, पढ़ना थोड़ा है, अब बाकी तो इधर उधर जो फेस्टिवल आ रहा है तो उसका बस इंजॉय करना है, मतलब गांव का लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया। अभी तो कैसा है नहीं आई डोंट नो, बिकॉज मैं पिछले 20 साल से गाँव से बाहर हूँ, मतलब 15 साल तो से ज़्यादा तो हो ही गया, 18 साल बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत फ्रीडम, अभी देखिए ना बच्चे को यहाँ पे खेलने के लिए मिट्टी थोड़ा सा लग पाता है बॉडी में, मिट्टी लग ही नहीं पाता है, अब भाई उसमें इतना मिनरल है, एंटीबॉडी अल्टीमेट तैयार होता है, तो शहर के बच्चों को मिट्टी कहाँ लग पाएगा? देखते हैं कितने सॉफ्ट हो जाते हैं मेट्रो के बच्चे, और गांव में सारा गेम मिट्टी वाला ही है, राइट? सारा गेम उसी से रिलेटेड है, तो वैसे ही बचपन से ही एंटीबॉडी तैयार हो रहा है उसका। चलिए यहां देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे कि वी एक्स इक्वल टू टू टी माइनस वन जो था, इसमें वी एक्स किसका काम कर रहा है? बाई का, टू किसका काम कर रहा है? एम का, ए किसका काम कर रहा है? एक्स का, आई एस सी का, राइट? तो उसमें जब मुझे स्लोप पता ही हो गया तो बस एक कोऑर्डिनेट पता होने से काम चल गया, तो मैंने इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, जीरो तब वी एक्स कितना मिल गया? माइनस वन, एक कोऑर्डिनेट मिल गया, अरे ये वन ऑफ द कोऑर्डिनेट मिलने के बाद स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर चले जाएंगे, राइट? निगेटिव रहता तो नीचे आ जाते हैं, तो बस एक कोऑर्डिनेट, सर वो कोऑर्डिनेट क्या है? इट कंपल्सरी ऑलवेज वर्टिकल एक्सिस? नहीं भाई, वो कोऑर्डिनेट कहीं भी रहता, बस एक पॉइंट और स्लोप का साइन से ड्रॉ कर लीजिएगा, राइट? तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉ कर रहा था, ठीक है? तो आप वैसे ड्रॉ कीजिए, ऐसे ड्रॉ कीजिए, अलग थोड़े ग्राफ होगा, सेमी ग्राफ रहेगा, अरे यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? तो ये तो निकालने वाला चीज़ है, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जीरो रहता है, तो इसको जीरो कर देंगे, वी एक्स का वैल्यू जीरो कर देंगे यहाँ पे, तो टी इक्वल टू हाफ सेकंड आया था, राइट? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आप बाई इक्वल टू एफ एक्स, याद है आप लोग को बोले थे कि बाई इक्वल टू एफ एक्स का अगर ऐसा कोई ग्राफ है, इस टाइप का अगर कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ मान लेते हैं, बाई है और ए एक्स है, ऐसा कोई आर्बिट्रेरी ग्राफ है, तो बाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसा था? मॉडुलस का मतलब है कि पूरे, तो यहाँ पे अगर -10 है तो ऊपर में +10 हो जाएगा, नहीं ये वाला पॉइंट, इसका शेप कैसा बनेगा? बिल्कुल इसका मिरर ना, मिरर, करेक्ट? ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक क्या रख दिए हैं, मिरर रख दिए, करेक्ट? यस।
तो भाई अगर मैं स्पीड वर्सेस टाइम पूछता आपसे, क्या वर्सेस टाइम, दिस इज द ग्राफ ऑफ वी एक्स वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम अगर एग्जाम में आया था मतलब बिल्कुल पक्का आएगा ही आएगा, तो स्पीड के लिए आप वी एक्स वर्सेस टाइम करते हैं या मॉडुलस ऑफ वी एक्स वर्सेस टाइम? यस, तो मॉडुलस ऑफ वी एक्स वर्सेस टाइम, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है एवरीवन कि पहले वी एक्स वर्सेस टाइम निकाल लीजिएगा, करेक्ट? तो आपने वी एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, और स्पीड कभी निगेटिव होता है? स्पीड मैग्नीट्यूड है भाई, निगेटिव नहीं होता है, राइट? इसका मतलब है कि स्पीड वर्सेस टाइम का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ वी एक्स वर्सेस टाइम। यहाँ देखिए चीज़ों को, ये समझने वाला बात है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। तो मॉडुलस तो नहीं लगता कि सर यही वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर दीजिए, वी वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ जहाँ जहाँ पे निगेटिव है मेक इट पॉजिटिव, राइट? इसका मतलब है कि वी एक्स तो इस सेक्शन में यहाँ से यहाँ तक वी एक्स, ये वाला पार्ट वी एक्स का क्या है, निगेटिव ना, तो बस इसको पॉजिटिव बना देना है, और जो पॉजिटिव है उसको जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव बना दे मॉडुलस लगाने से। मॉडुलस लगाने का मतलब है कि निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, राइट? यस, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर माइनस वन था तो यहाँ पे प्लस वन रहेगा, करेक्ट? और यहाँ से यहाँ तक, और इसका मतलब ये वाला पार्ट एज इट इज, बस इस वाला पार्ट का यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, मिरर लेकर, करेक्ट? तो आपने यहाँ से क्या सीखा, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गया कि स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा पहले वी एक्स वर्सेस टाइम का ड्रॉ कर लेंगे, और अगर वी एक्स जहाँ जहाँ पर वी एक्स निगेटिव है उन सारे जगह पर वी एक्स को पॉजिटिव बना देंगे, राइट, मॉडुलस लेकर, क्योंकि मुझे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या सबको समझ में आया यह बात, नहीं तो दोबारा मैं बोलूँगा यहाँ पे। एनी वन जिनको समझ में नहीं आया है, मैंने किस सेक्शन का ग्राफ को पॉजिटिव मिरर इमेज ले लिया और क्यों लिया, किस लिए पॉजिटिव किया, क्योंकि वी एक्स जहाँ पर निगेटिव है तो वी स्पीड का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ वी एक्स, और मॉडुलस का मतलब जो पार्ट में वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू निगेटिव रहेगा उन सारे पार्ट को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कम बनाने का मतलब है कि जस्ट इसका डिटो इतना दूर में मिरर रखना है, ऐसा नहीं कि मिरर इतना रख दीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, राइट? तो वो काम नहीं करना है, सिर्फ कौन सा वाला पार्ट को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना है और निगेटिव वाला पार्ट को पॉजिटिव बना देना है। ये तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहिए, राइट? पूछना चाहिए नहीं, पूछा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी कन्फ्यूजन है कि लोग वी एक्स वर्सेस टी और स्पीड वर्सेस टी दोनों को सेम समझ लें, बट दोनों सेम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ माइनस वन से, बट यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लस वन से, राइट? अब स्पीड कम होते होते पहले जीरो हुआ, राइट? यहाँ देखिए अब ग्राफ क्या है, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ग्राफ है कि वो भाई बोलता है कि मुझे पढ़ो, वो ग्राफ बोलता है, हम लोग टीचर ऐसे बोलते थे ग्राफ बोलता है, उसको बस पढ़ने का रिक्वायरमेंट है। ग्राफ आपने स्पीड वर्सेस टाइम का ड्रॉ कर लिया, यहाँ देखिए जीरो से हाफ सेकेंड तक स्पीड ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, कम होते होते जीरो हो गया, और हाफ सेकेंड से बाकी टाइम तक स्पीड ज़्यादा हो रहा है, राइट? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन, राइट? और यहाँ से यहाँ तक अब ये इस वाला सेक्शन में क्या रहेगा, एक्सलरेशन रहेगा। सर ऐसा क्यों हो गया, अब यहाँ देखिए पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे था, माइनस फोर मीटर पे ना, यस, पार्टिकल पहले माइनस फोर पे रहकर ऐसे जा रहा था और माइनस सेवेंटी बाई फोर पे आके रेस्ट में आ गया, राइट? तो क्या यहाँ पे परमानेंटली रेस्ट में था या सिर्फ एक पल के लिए रेस्ट में आया, अब फिर बाद में ऐसे मुड़ रहा है, करेक्ट? इसका मतलब है कि
टी ग्रेटर देन हाफ सेकेंड वी एक्स का एक्सप्रेशन है ना टू कितना था 2t-1। तो टी का वैल्यू अगर हाफ सेकेंड से बड़ा रहेगा तो वी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब वी एक्स पॉजिटिव हो गया कब, टी ग्रेटर देन हाफ सेकेंड में वी एक्स पॉजिटिव और एक्स तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो अगर दोनों का साइन पॉजिटिव हो गया देन दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड, राइट। लेकिन टी का वैल्यू अगर हाफ जीरो से हाफ सेकेंड के बीच में वी एक्स निगेटिव था, करेक्ट ना, और एक्स तो पॉजिटिव था, इसका मतलब इनिशियली तो रिटार्डेशन था, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से हाफ सेकेंड के बीच में रिटार्डेशन, बट हाफ सेकेंड से इन्फिनिटी के बीच में एक्सेलरेशन। तो इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि ऑल्सो फाइंड आउट द टाइम इंटरवल इन विच पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एंड पार्टिकल इज डी एक्सेलरेटेड। तो जीरो से हाफ सेकेंड के बीच में डी एक्सेलरेटेड और हाफ सेकेंड से इन्फिनिटी के बीच में एक्सेलरेटेड, राइट। चलिए यहाँ तक आप समझ पाए, एक ग्राफ तक आ गए। चलिए यहाँ तक स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ समझ में किसी को तकलीफ, एनी वन। चलिए अब इसी क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन जो भी बोर्ड पे ले रहे हैं तो बोर्ड पे क्वेश्चन एक्चुअली मैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ कि अब इसमें कितना बात मुझे बच्चों को सिखाना है फिजिक्स में, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर मैं क्वेश्चन पे सोचने का कैपेसिटी अगर कैपेबिलिटी अब मैं आपको डेवलप कर दिया तो मुझे कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि बस आंसर आ गया रुक गए। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में ग्राफ का आ गया वी एक्स वर्सेस टी, स्पीड वर्सेस टी। मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि फाइंड आउट, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फाइंड आउट द टाइम इंटरवल इन विच पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एंड पार्टिकल इज डी एक्सेलरेटेड, करेक्ट है। और इसमें भी देखिए यहां से तो ग्राफ देखकर तो आप बता ही देते, बट मान लेते कि विदाउट हेल्प ऑफ ग्राफ, मतलब ग्राफ आपने ड्रॉ नहीं किया, आपको एग्जाम में ग्राफ नहीं पूछा गया है, बस टाइम इंटरवल पूछा गया है, अब बिना ग्राफ का आपको बता देना है। ग्राफ से तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक ए स्पीड है, स्पीड कम हो रहा है फिर स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली ए सेक्शन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन का, ए सेक्शन रहेगा रिटार्डेशन का, राइट। ग्राफिकली तो समझ में आ गया, बट विदाउट नोइंग द ग्राफ हाउ कैन बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि इंटरवल कैसे निकलेगा। तब यहाँ पे मेरा ख्याल आएगा आपको कि सर ने बताया था कि वी एक्स का साइन पॉजिटिव और एक्स का साइन पॉजिटिव, करेक्ट, ये एक्सेलरेटेड बताए थे। तो भाई मेरा जो यहाँ पे एक्स है वो तो पॉजिटिव है 2 m/s², राइट। इसका मतलब अगर ये मैं पता कर लूँ कि कहाँ से वी एक्स पॉजिटिव हो रहा है तब मुझे समझ में आ जाएगा उस इंटरवल में एक्सेलरेटेड रहेगा, करेक्ट, समझे मेरी बात को। एक्स तो मेरा पॉजिटिव है ना, तो अगर मैं वी एक्स कहाँ से पॉजिटिव हो रहा है वो बात अगर निकाल के बता दें तब तो डिटो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लिया कि हाँ वो डैम से वो इंटरवल एक्सेलरेटेड का रहेगा। यस, तो वी एक्स था कितना 2t-1, राइट। तो वी एक्स ग्रेटर देन 0, राइट, ये तो निकालना है पॉजिटिव, और आप इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करने के लिए जानते हैं, वी एक्स का वैल्यू ये है तो वी एक्स ग्रेटर देन 0 निकालना है टाइम इंटरवल, तो 2t-1 > 0 देन 2t-1 > 2t > 1, राइट, देन टी ग्रेटर देन व्हाट हाफ, करेक्ट। इसमें वी एक्स क्या रहेगा, उसी को तो आपने सॉल्व किया ना, तो वी एक्स पॉजिटिव रहेगा भाई, वी एक्स पॉजिटिव रहेगा, अभी दो ही क्लास हुआ है। वी एक्स पॉजिटिव के लिए टाइम इंटरवल क्या मिला,
हाफ से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट? और दोनों जगह पे ओपन ब्रैकेट, करेक्ट ना? तो यहाँ पे इस जोन में वी एक्स पॉजिटिव और ए एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव, इट राइट? तो ए एक्स भी पॉजिटिव ही है और दोनों का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव अगर मिल गया तो किसका केस था? एक्सेलरेटेड का। इसमें ग्राफ का रिक्वायरमेंट था क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर ये कैसे पता करते हैं कौन सा जोन में डी एक्सेलरेटेड था? तो भाई एक्स तो पॉजिटिव है, ये तो पहले से पता है 2 m/s². अब अगर ये पता कर लें कि कौन सा इंटरवल निगेटिव भी, जिसमें कौन सा, किस इंटरवल में वी एक्स निगेटिव है, तो पता चल जाएगा, राइट? तो वी एक्स लेस देन जीरो तो 2t-1 <0, तो 2t1 देन t1/2। इसका मतलब t का वैल्यू कितना, t t लेस देन हाफ, लेकिन जा कहाँ तक जा सकते हैं, निगेटिव तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर टी का वैल्यू क्या रहेगा, टी बिलोंग टू 0 से हाफ, इज इट राइट? इसका मतलब इस इंटरवल में वी एक्स क्या मिलेगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव? क्योंकि उसी को तो सर निगेटिव करके लाए हैं, और एक्स तो क्या है, पॉजिटिव। ये इंटरवल कौन सा रहा, इस इंटरवल में दोनों का साइन जस्ट अपोजिट है, राइट? तो दिस इज केस ऑफ व्हाट, रिटार्डेशन। एक और प्रॉब्लम बनाने का तरीका सीख लिए, क्या सीखे कि सर यहाँ से एक नया चीज़ सीखे कि अगर एक्स का साइन पता है, इफ एक्स इज ऑलरेडी गिवन, मान लेते हैं कांस्टेंट, एक अभी हम लोग कांस्टेंट वाला जोन ही काम कर रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसका साइन पता है लाइक पॉजिटिव है, तो किस इंटरवल में रिटार्डेशन होगा, किस इंटरवल में एक्सेलरेशन होगा, उसके लिए इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। विदाउट हेल्प ऑफ ग्राफ अगर सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, राइट? चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट? और यहाँ पे जो जो बात बोल रहे हैं आपको, जिसे मैंने आज 1.5 आवर का क्लास लिया अगर फिजिक्स का, तो भाई इस पर बैठ के आपको कम से कम 2 आवर टाइम देना पड़ेगा, तब 100% मेरे बातों को आप यहाँ पे लेके रख सकते हैं। और अगर इस पर दोबारा टाइम नहीं दिए तो सारा कुछ उड़ जाएगा। इसलिए अब जो फिजिक्स क्लास लेता हूँ तो 1.5 आवर क्लास, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, 100% उस बात को पकड़ लेने के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करके फटाक से निकल गया, वी एक्स वर्सेस टी, मॉडल्स ऑफ वी एक्स वर्सेस टी। आपको तो रफ में वर्क करना पड़ेगा कि सर ने यहाँ पे ऐसे लाया था, फिर बोला कि स्पीड के लिए निगेटिव वाला पार्ट को ग्राफ को मिरर में बना देना है और पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव ही रखना है, राइट? तो इस तरीके से आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।